बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है जब से उसको सहारा मिल गया है अफ़ान का, क्योंकि पहले तो वह अफ़ान के साथ खड़ी भी होती थी तो उसके किरदार पर बातें उठती थी, लेकिन अब जब भी वह अफ़ान के साथ खड़ी होगी, अफ़ान उसका शोहर है, कोई भी उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी करने वाले लोग बातें करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा प्रोमो में कि आंटी जी कहती हैं कि भाई मैं एनी को सजा दूँगी उसके किए की, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो एनी को कुछ भी नहीं कह सकती, बिकॉज अफ़ान हर तरह से अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करेगा और वो किसी को इतनी जुर्रत नहीं देगा कि उसकी बीवी पे एक बात भी कर गुजरे। हम ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि फौरी तौर पर अफ़ान जो है वो अपनी फैमिली को ये धमकी दे देगा कि अगर मेरी बीवी को किसी ने कुछ भी कहा तो मैं उमर को लेकर और अपनी बीवी को लेकर इस घर से अलहदा हो जाऊँगा। दुर्गाना की दुश्मनी और बढ़ गई है, क्योंकि जब से एनी की शादी हो गई है अफ़ान के साथ और आयमा इस कदर दुखी है तो वो दुर्गाना देख कर कहेगी कि मैं बिल्कुल भी अपनी बहन को नहीं छोड़ूंगी, उसने जो कुछ तुम्हारे साथ होने दिया उसको चाहिए था कि वो पहले अफ़ान को मनाती, अगर अफ़ान नहीं माना था तो